नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नई रिसर्च के बारे में बताने वाला हूँ, और इस रिसर्च में जो चीज़ें पता लगी हैं वो रिसर्च आपको शॉक कर देगी। जैसा आप यहाँ थंबनेल में पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है कि आप अगर अपने जो सोलर पैनल आपने अपनी छत पर लगा कर रखे हैं, जो हॉरिजॉन्टल आपने सोलर पैनल अपनी छत पर लगा कर रखे हैं, उनको अगर आप वर्टिकल कर देते हैं, मतलब जो हम लोग फ्लैट सोलर पैनल लगते हैं, इसको अगर हम सीधा खड़ा सोलर पैनल लगा दें, जैसे हमारे यहाँ खिड़की और दरवाजे लगे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे हमें इस सोलर पैनल से ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलता है। और वो आउटपुट कितना ज़्यादा होता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। ये रिसर्च कहाँ की गई है, कितने परसेंट तक का इंक्रीज होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, कारण के साथ सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप सोलर में नई नई रिसर्च में या सोलर के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरी गारंटी है कि इस नई रिसर्च को जानकर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, अभी तक एक्चुअली में हम लोग जो भी सोलर पैनल लगाते थे, वो छोटा प्लांट हो, वो बड़ा प्लांट हो, कोई भी प्लांट होता था, हम वहाँ पर हमेशा सोलर पैनल को हॉरिजॉन्टली ही प्लेस करते थे। और इसका कारण ये था कि अगर सही एंगल पर होगा सनलाइट सूरज के, तो इस पर डायरेक्ट रेडिएशन आएगा, मतलब जो फोटॉन्स होते हैं जिनको हम लोग सनलाइट के छोटे छोटे टुकड़े जब इससे टकराएंगे, तो ये वो सोलर पैनल हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। पर अब नीदरलैंड के अंतर्गत दोस्तों साइंटिस्टों ने एक नई रिसर्च की खोज की, और इस रिसर्च में उन्होंने कहा कि अगर आप अपने जो सोलर पैनल आपने अभी तक हॉरिजॉन्टल लगा कर रखे हैं, हॉरिजॉन्टल सोलर पैनल लगा कर रखे हैं, अगर आप इनको वर्टिकल प्लेस करते हैं, तो आपके यही सेम सोलर पैनल्स 2.5% आपको ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा पावर देंगे। अब इस पावर को आप अगर 2.5% समझ रहे हैं, तो जहाँ पर आप देखिए इफिशेंसी अगर 21% है, तो 2.5% अगर इफिशेंसी बढ़ गई, तो आपका सेम सोलर पैनल 23 या 23.5 के नियर अबाउट काम करने लगा। तो अब जो ये रिसर्च की गई, वो रिसर्च की गई थी हमारे एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल के ऊपर, और इसके पीछे जो वैज्ञानिकों ने कारण दिए उनको जानते हैं, तब आपको सारा कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सोलर पैनल हम लोग लगाते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स में जो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है हमारा जो सनलाइट में डायरेक्ट जब सोलर पैनल हमारा रहता है, ऐसी कंडीशन में सोलर पैनल में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ पूरा एक ग्राफ से, इस तरीके से समझा कर, कि जब ग्री हीट का लेवल मान लीजिए नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो सोलर पैनल अपने 100% पर काम करता है। पर जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है, सोलर पैनल जो है अपना जो आउटपुट है, जो इसका आउटपुट है, वो आउटपुट रिड्यूस होता जाता है, जिसकी वजह से 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद अगर सनलाइट तेज़ है, गर्मियों के दिन है इंडिया जैसी अपनी कंट्री के अंदर, तो सोलर पैनल का जो यूनिट जनरेशन है वो डिप्लीट होता है। पर जब इन्हीं सोलर पैनल को हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल प्लेस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सोलर पैनल का जो हीट के चांसेस होते हैं, वो मतलब सोलर पैनल की हीट होती है वो कम होती है, मतलब यहाँ पर इससे हवा इधर से टकराती है, प्रॉपर हवा का वेंटिलेशन मिलता रहता है, उसकी वजह से जो सोलर पैनल है उसकी हीट कम रहती है, सोलर पैनल कम गर्म होते हैं। तो सोलर पैनल के कम गर्म होने के कारण जो इनका यूनिट जनरेशन है, अब अगर यूनिट जनरेशन की बात करें टेम्परेचर के बारे में, देखिए दोस्तों आप 0.4 0.3 का पर डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, और ये वोल्टेज का डिग्रेडेशन है, क्योंकि जितना सोलर पैनल कम होगा उतना सोलर पैनल का वोल्टेज डाउन होता जाएगा, और जितना सोलर पैनल अगर अपने आइडियल टेम्परेचर पर है, तो उसका वोल्टेज हायर रहेगा। तो 0.4 0.3 पर डिग्री टेम्परेचर पर वोल्टेज रिड्यूस होता है, जो हमारा वर्टिकल सोलर पैनल लगाने के दौरान ये टेम्परेचर मेंटेन काफ़ी अच्छे से रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2.5% हमें एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को मिलता है। इसके पीछे दूसरा कारण और दिया है नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने, कि जब हम सोलर पैनल को हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लगाने की वजह से इस पर डस्ट, मिट्टी और जो पंछी होते हैं उनकी गंदगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोलर पैनल पर हमारे जमा हो जाती हैं, और एक ड्यूरेशन 3 या 4 दिन के बाद, क्योंकि सोलर पैनल देखा जाए तो एक साइकिल होती है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हम लोग सोलर पैनल गेन करते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में सोलर पैनल का जो आउटपुट है या यूनिट जनरेशन है वो कम रहता जाता है। पर अगर हम यही सोलर पैनल हॉरिजॉन्टल प्लेस करते हैं, सॉरी वर्टिकल प्लेस करते हैं हॉरिजॉन्टल की जगह, तो यहाँ पर डस्ट आने के चांसेस कम रहते हैं कंपेयर टू हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अंतर्गत। तो ये वो दो मेन कारण दिए नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने जिसकी वजह से यहाँ पर जो सोलर पैनल का आउटपुट था उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो अभी तक हम लोग देखते थे कि जो सोलर पैनल आ रहे हैं कि खिड़कियों में भी लगेंगे, दरवाजे में लगेंगे, तो अभी तक एक मिथ था दिमाग में हमारे सभी, हम सभी लोगों के दिमाग में मिथ था कि अगर हम ऐसे सोलर पैनल लगाएंगे तो ये उस एंगल पर नहीं रहेंगे जिस एंगल से हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलता है। पर अब मैक्सिमम आउटपुट के लिए हमें हॉरिजॉन्टल ना रख के अगर हम वर्टिकल रखते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए एक ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ ये रहने वाली। तो ये वो रिसर्च है जिस रिसर्च की वजह से अब शायद इन फ्यूचर में जो सोलर पैनल का एंगल अभी हम लोग 25 डिग्री या 28 डिग्री, 30 डिग्री और 36 डिग्री की बात करते थे, अब वो डिग्री की तरीके बात करना पूरी तरीके से बहुत जल्द बंद हो जाने वाला है। क्योंकि जो ये रिसर्च है इस पर बहुत अच्छे से हर एक चीज़ का पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस किया गया है, ये कोई हवा में बातें नहीं की गई हैं। नीदरलैंड के साइंटिस्ट ने इस पर पॉइंट टू पॉइंट रिसर्च की है, उसके बाद ये कंक्लूजन निकाल कर दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका क्या सोचना है इस बारे में, जो आपकी छत पर हॉरिजॉन्टल अभी तक सोलर पैनल लगे हुए थे, क्या आप उन पैनल्स को अब वर्टिकल लगाएंगे एक आउटपुट ज़्यादा देखने के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, ये मैंने अपने चैनल पर एक पूरी न्यू सीरीज शुरू की है जिसमें पूरा वर्ल्ड वाइड जो भी सोलर इंडस्ट्री में, बैटरी इंडस्ट्री में चेंजी होते हैं, अपग्रेडेशन होते हैं, उनके बारे में मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज दूंगा। देखिए, मैं सिनेमैटिक और वीडियोस वाले वीडियो ऐड करके वीडियो नहीं बनाता, मेरा मेन काम है कि मैं आप तक फैक्ट पहुँचाऊँ, और फैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है कोई चलती हुई तस्वीर देखने से ज़्यादा। तो आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगता है, अगर आप इसकी सराहना करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें, हमारा सपोर्ट करें और जल्द से जल्द हमारे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, जिससे हम भी और सोलो चैनल्स की तरीके उनके बराबर पहुंच सकें और आप तक ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ।